चीन और पाकिस्तान सीमा निकट में भारत पक्षर सामरिक दृष्टि गुरुत्वपूर्ण 44 सेतु निर्माण को चीन विरोध कर गत दुई दिन तले भारतीय सीमा अंतर्गत लद्दाख अरुणाचल प्रदेश सिक्किम हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड पंजाब और जम्मू काश्मीर में 44 सेतु को लोकार्पण करते भारत प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश भारत अविच्छेद्य अंग नुहे बोली दर्शाई एठारे सेतु निर्माण को विरोध करिछंती चीन कर्तृपक्ष एहाकु नै आमर विशेष रिपोर्ट सीमांत सेतु को नै चीन छानिया दीर्घ पांच मास धरी भारत चीन मध्य सीमा विवाद थमिबार नाम धरुना एलएसी निकटरु केही मध्य सैन्य अपसारण करुनाहंती फळरे सीमा रेखारे उभय देश सैन्य ठूल करिबारे लागिछंती एभली कि तीन तीन थर उभय देशर सैन्य मानक मध्यरे रक्ताक्त संघर्ष मध्य घटी सारिछि इतिमध्यरे भारत सीमांतरे यातायात पई 44 सेतु निर्माण करिसारिछि जहाद्वारा सेना तथा युद्धास्त्र को नेबारे सुविधा मध्य हेबो एहाकु घोर विरोध करिछि चीन वैदेशिक मंत्रालय तरफ भारत यहा भूल पदक्षेप एवं लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश भारत अविच्छेद्य अंग नुहे बोली मत प्रकाश करिछंती गत सोमवार दिन उभय कमांडो स्तर आलोचन प्रसंग उठा जाइथिबा सूचना मिलुछि तेबे उभय देश एलएसी निकटरे संयमता रक्षा करिबा और शांति प्रतिष्ठा पाई चेष्टा करिबे बोली सम्मति प्रकाश पाइछि तेबे सेतु को नहीं आरंभ होइथिबा विवाद थमिबार ना धरुनाही विस्तारवादी चीन निज नाली आखि आउ भारत को देखाई पारुनी भारतर कठोर आभिमुख्य चीन को चिंता रे पकाई एक साथ इतनी संख्या में पुलों का उद्घाटन और टनल का शिलान्यास अपने आप में मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। 7 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित ये सारे ब्रिज कनेक्टिविटी और डेवलपमेंट के एक नए युग की शुरुआत करेंगे ऐसा मैं मानता हूं। मैं बीआरओ संबंधित स्थानीय लोगों सहित समस्त देशवासियों को इस अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूं और इन पुलों को हमारे देश भारत को समर्पित करता हूं। तबे केबे एई सीमा विवादर अंत घटुची ना पूर्ण एक युद्ध होउची ताहा उपरे एबे समस्तक नजर ब्यूरो रिपोर्ट प्रेस न्यूज़।